आरजेडी से आप लड़े थे, लालू या प्रसाद यादव को आप बड़ा ही अपना जो है वो गुरु भी मानते हैं, पार्टी ने आपको बाहर कर दिया, आप किस पार्टी के तरफ जाना चाहते हैं? देखिए बता देता हूँ, पार्टी ने बाहर किया बता देता हूँ, पार्टी ने इस कारण से नहीं निष्कासित किया था, बता देता हूँ, ये बात को मैं खंडन करता हूँ, गलत बात है, क्योंकि पार्टी जो निष्कासित किया था, जो MLC चुनाव था, हमने निर्दलीय लड़े थे, इसलिए देखिए अब तो पार्टी के ऊपर डिपेंड है। देखिए हमारे पास तो ऑप्शन खुला हुआ है, बता देते हैं कि कोई बंधनकारी नहीं है, चुनाव लड़ेंगे इतना तय है, अब पार्टी की जो इच्छा, हाँ 100% लड़ेंगे चुनाव, मतलब हाँ लोकसभा लड़ेंगे, उसमें क्या बात है, सभी पार्टियों के इन्फ्लुएंस में है? नहीं नहीं देखिए हम किसी के संपर्क में नहीं है, बता देता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी जिले में हैं और हमारे साथ पूर्व विधायक, कह सकते हैं कि RJD के पूर्व विधायक, झंझारपुर विधानसभा से थे और हमारे साथ बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए गुलाब यादव जी हैं, लाइव सिटीज में स्वागत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सिटी का, लाइव सिटी का हमेशा निष्पक्ष सब बात को रखते हैं और अपने जनता के बीच, और हम फॉलोवर भी देखते हैं कि हमेशा आप लाइव सिटी के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। बहुत दिनों के बाद अपने क्षेत्र में आए हैं, आपके अभी जनसभा में बहुत सारे लोग हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल जवाब आप दे रहे हैं, क्या लग रहा है 2000 अभी जो चुनाव होने वाला है 24 में, इस चुनाव में आप अपने आप को कहाँ स्थापित देख रहे हैं? देखिए 2024 में अभी देखिए चुनाव अभी नज़दीक आ गए, 1 साल बाकी है, और हमेशा हम भरोसा करते हैं जनता ही भगवान है, जनता ही मालिक है, जनता के साथ मिल रहा है और चुनाव लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे। ऑप्शन जो है ना, हमारे पास 2 सीट है, मधुबनी और झंझारपुर, तैयारी दोनों सीट पे जोरों से चल रहा है और हम भी कर रहे हैं और चेयरमैन साहब भी कर रहे हैं और MLC मैडम भी कर रहे हैं और जनता मालिक है, सब जनता जितने देख रहे हैं, मतलब सुबह से आए हैं तो भीड़े भीड़ है और चुनाव की तैयारी पूरा जोर शोर से चल रहा है, टीम हमारा लगा हुआ पहले से भी, साल भर से पहले से तैयारी चल रहा है, कुछ टीम हम हायर भी किए हैं बाहर से जो कि मेरा काम कर रहा है, जो कि जानकारी में सबको नहीं है। आपने कहा कि झंझारपुर से भी लड़ेंगे, मधुबनी से भी लड़ेंगे, झंझारपुर से आप पूर्व विधायक रहे हैं, मधुबनी में भी आपकी काम जारी है, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों से जब आप ही के लोगों से हमने बातचीत किया तो उन्होंने कहे हैं कि जद्दोजहद में लगे हैं टिकट के लिए। देखिए आप तो पार्टी के ऊपर डिपेंड है, देखिए हमारे पास तो ऑप्शन खुला हुआ है, बता देते हैं कि कोई बंधनकारी नहीं है, चुनाव लड़ेंगे इतना तय है, अब पार्टी की जो इच्छा, हाँ 100% लड़ेंगे चुनाव, मतलब चुनाव, हाँ लोकसभा लड़ेंगे, उसमें क्या बात है, और कहने जनता ही मालिक है और जनता ही भगवान है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं सब, जनता हमारा तो 19 में चुनाव मतलब हारने के बाद 20 में हम तो विधानसभा लड़े नहीं हैं, और आपके चैनल पे भी शायद उसका खंडन भी कर रहा हूँ कि 20 में हम चुनाव नहीं लड़े हैं, 19 में जरूर हम पराजित हो गए हैं और इस बार पूरे तैयारी जब से हारे हैं 19 ही हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी, तभी से मतलब जो कहते हैं कि लोग चुनाव हारने के बाद फील्ड छोड़ देता, फील्ड कभी खाली नहीं किए, उसके परिणाम हुआ कि 20 में चुनाव नहीं लड़े, 21 में जिला परिषद मैंने उसका जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो जिला में जिला अध्यक्ष चेयरमैन भी बने, और निर्दलीय जो MLC का चुनाव आया तो जनता पूरा जिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो MLC भी निर्दलीय और काफी मतों का अंतर से जीते हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। देखिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो 22 में इतने बड़े चुनाव था मतलब विधान परिषद का, हमको लगता नहीं कि बिहार में जितने मतों का अंतर से हम जीते हैं, एक आध सीट कोई होगा तो होगा, नहीं यहाँ तो जमानत भी नहीं किसी को बच पाया, ये बात तो आप लोग भी देखें, अब फर्स्ट राउंड में बात का मामला क्लियर हो गया। RJD से आप लड़े थे, लालू या प्रसाद यादव को आप बड़ा ही अपना जो है वो गुरु भी मानते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं, अब तो रिश्ता आपकी कट गई है उनसे, पार्टी ने आपको बाहर कर दिया, आप किस पार्टी के तरफ जाना चाहते हैं? देखिए बता देता हूँ, पार्टी ने बाहर किया बता देता हूँ, पार्टी पूरे जितने 20 और 21 में बाहर किया था पार्टी ने वापस ले लिया है सबको, बता देता हूँ, आपकी भी वापसी होगी, सबके पूरे हमारे ने पूरे बिहार की वापसी होगी है। अच्छा, और कहा रिश्ता, देखिए राजनीति में कोई व्यक्तिगत कोई तो हमारा कोई लड़ाई होता नहीं है, राजनीति में कब रिश्ता किसका बन जाते हैं और कब किसका रिश्ता खराब हो जाते हैं ये तो कहना मुश्किल है, कई बार देख रहे हैं कि आपको RJD और जदयू का 36 का रहा रिश्ता और समय आता सब एक हो जाता है, तो इसमें कहाँ देख रहे हैं, किस पार्टी से देख रहे हैं? अब पार्टी निर्णय लेगा, हम अभी तो अपना तैयारी कर रहे हैं, कौन सी पार्टी निर्णय, हम क्या बोले, पार्टी जो जिसका लगे कि भाई कि हमारा सीट मतलब जीत का आएगा, दोनों सीट सभी पार्टियों के इन्फ्लुएंस में है,
नहीं नहीं देखिए, हम किसी के संपर्क में नहीं है, बता देता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जनता के बीच जाता हूँ, जनता मालिक है, जनता भगवान है, वापस बार बार कह रहा हूँ। और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो फिर आगे पार्टी तो अपना, जिसको लगेगा कि हमारा सीट चाहिए झंझारपुर या मधुबनी तो पार्टी विचार करेगा। तो आप संपर्क में होंगे बहुत सारे पार्टी से, बीजेपी में भी जाने की कोशिश है? नहीं नहीं सुन लीजिए, बताता हूँ, हम कहीं अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है, कहीं नहीं। और आपने पूछे कि पार्टी का, तो पार्टी का जो 6 साल के लिए निष्कासित किया था, पार्टी ने स्वयं मतलब लेटर निकाल के, मतलब पूरे बिहार में जितने 20 और 21 में जो हुआ था सबको वापसी ले लिया, जिसका लेटर आपके पास भी प्राप्त होगा, चाहे तो लेटर हम भी दे देंगे। तो अभी आप किसी भी पार्टी के इर्द गिर्द नहीं घूमे हैं? नहीं, किसी के पास अभी तक नहीं गया। लग रहा है कि RJD आपको सीट दे सकती है? देखिए, हम ये बात कैसे कह देंगे, ये तो श्रेष्ठ नेतृत्व का मामला है कि टिकट किसको देंगे, कौन सीट हमको ला कर देगा। देखिए, इस बार कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव मतलब 19 वाला परिस्थिति इस बार नहीं है कि कोई पार्टी कहेगा आसान से हम चुनाव जीत लेंगे, बिहार में ऐसा नहीं है। लड़ाई तो पक्ष और विपक्ष दोनों कांटे की लड़ाई रहेगा, जो जितना बाजी मार ले कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है, जिसका अपना वोट मास वोट बैंक जिसके पास जमीन है वो चुनाव जीतेगा, सुनिश्चित है। जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया था, मामला ये था कि एक कथित तौर पर आप पर एक महिला आती है और कहती है कि हमारे साथ नाजायज संबंध बनाया गया, और उसके बाद आप पे इस तरह का पार्टी ने गाज गिरा दी, आपको निष्कासित कर दिया। अब एक खबर है कि रेप के आरोपी RJD पूर्व विधायक और उसके बाद IAS ऑफिसर को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक। पहले बात बता देता हूँ, पार्टी ने इस कारण से नहीं निष्कासित किया था, ये बता देता हूँ, ये बात को मैं खंडन करता हूँ, गलत बात है। क्योंकि पार्टी जो निष्कासित किया था, जो MLC चुनाव था, हमने निर्दलीय लड़े थे इसलिए। और रही बात कि केस MLC की चुनाव में जो आपकी पत्नी लड़ी थी निर्दलीय, इसके लिए कोई तो केस तो पार्टी तो आपको सीट दे सकती थी ना? देखिए, पार्टी निर्णय जो हुआ तो हम तो पार्टी को कहे थे कि भाई सीट जो है ना मेहनत हमारा किया हुआ था, और एंड टाइम पे पार्टी निर्णय हुआ कि टिकट दूसरे को दिया गया, तो उसमें कोई हमारा गिला शिकवा नहीं है कोई पार्टी से। पार्टी निर्णय जो होता है, हम जानते थे कि मतलब दूसरे को रोकने के लिए वो सक्षम नहीं है कैंडिडेट जिसको टिकट दिया। मतलब है कि आपके साथ पार्टी की मोहभंग हो गई थी? अब पार्टी देखिए बड़े पार्टी है, अब उसका क्या अंदर से राजनीति हो रहा है वो तो हम नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात था कोई की घटना अपरेप के नाम कोई केस नहीं है, ये राजनीति के तहत साजिश के तहत फंसाया गया था। वो अपने आप को वकील कह रही थी? हाँ बताइए, जो वकील रहेगा वो तो राजनीति साजिश के तहत तुझे फंसाया गया, और न्यायपालिका पूरा विश्वास था, न्यायपालिका ने हमको न्याय दिया है हमेशा कि इसमें रंजिश में आपको फंसाया। हाँ, साजिश राजनीति की साजिश है। किस पार्टी की साजिश? हम क्या कहें, हम नाम किसी को नहीं लेंगे, राजनीति में नाम नहीं लिया जाता है जिला में। अपने दुश्मन BJP को मानते ही? हम क्या बोले, हम किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे, क्या बोले। साजिश होता है कि कोई पार्टी नहीं होता, व्यक्तिगत भी आदमी चाहता है उलझा कर रख दे राजनीति में। की गिरफ्तारी पे रोक लग गई? गिरफ्तारी का देखिए मामला ही गलत था, हम बता रहा हूँ, मामला ही गलत था। हम पे जो है ना कोर्ट ने क्वाइस कर दिए हैं उसको जो है ना। बहुत तरह के ऑडियो भी वायरल हुए थे, एक बार सुने ना, ऑडियो और वीडियो तो आजकल सब जगह डमी लाइन, आप ही फोटो लगा के आवाज किसी की जोड़ सकते हैं। हम क्या बोले, न्यायपालिका पर भरोसा है, और न्यायपालिका हमेशा जो सच के सच को न्याय मिला है, तमाम बातों को रखा है। ये हमारे साथ गुलाब यादव जी हैं, और ये RJD से पूर्व यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, और तमाम बातों को रखा है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अगर पार्टी हमें, कोई भी पार्टी अगर सीट नहीं देती है, तो एक समर्थित दोनों ही जगह से तो लड़ेंगे, एक जगह से खुद से लड़ेंगे और एक जगह पर अपना समर्थित उम्मीदवार को उतार करके दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव में अपने आप को उतारेंगे। तमाम बातों को रखा है। इनकी गिरफ्तारी पे जिस तरीके से रोक लगी है उस बातों को भी बड़े सिलसिलेवार तरीके से नीतीश कुमार पे भी अपने बातों को रखा, अपने वक्तव्यों को रखा है। ऐसे ही बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज़ को। फेसबुक पर देख रहे हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।